नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स इको चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरस्वती पूजा आ गया है और इसके लिए आप सराउंडिंग में मेरे म्यूजिक के साउंड सुन सकते हैं, तो इसे इग्नोर करिएगा। और आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम मार्च में होने वाले हैं, तो उसके लिए आज से आपका बिल्कुल ऐसा सेट ला रहा हूँ जिस परीक्षा जैसा पेपर होगा, सेम टू सेम फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा और ये सीरीज वन है, ठीक है। और ये बिहार पुलिस के अलावा भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है बिहार SIPT के लिए, साथ ही साथ BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ESI के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा वीडियो का सीरीज आज से डाला जा रहा है, तो आप लोग पूरा रेगुलर रहिएगा। और रोज़ रात 10 बजे ये सेट आएगा, बिल्कुल परीक्षा जैसा पेपर होगा यहाँ पे बिहार पुलिस, बिहार SI, BPSC और बिहार ESI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मॉक टेस्ट वन है, एक के बाद एक मॉक टेस्ट आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लोग उठाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को देखना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, ठीक है। आपको मिलता है 5 सेकेंड, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और रोज़ दोपहर 12 बजे हमारा सेट चल रहा है, वो हमारा UPSI के लिए चल रही है, ठीक है। किसके लिए? UPSI के लिए 15 दिन का जो है मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवीजन कराया जा रहा है आप लोगों की 15 दिनों में क्या क्या पढ़ना था। जो लोग भी UPSI की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो देख लेंगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था कि करजन के प्रशासन की तुलना किससे की थी, औरंगजेब से की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे और सिर्फ यहाँ पे आपके लिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। कौन से क्वेश्चन? सिलेक्टेड क्वेश्चन, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या जो बार बार रिपीट करता है, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, बताइए। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक, मतलब सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना कोच। ये थी बहुत ही लंबे समय तक अंतरिक्ष में थी। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कितने दिनों तक थी ये, इनके दिनों की संख्या बताना है। और ये सबसे पहली महिला हो गई जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही है, क्रिस्टीना कोच, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, मतलब कौन सा कार्य RBI नहीं करती है, ठीक है। और आपको नीचे कमेंट करके बताना है रिविजन के हिसाब से कि RBI का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, RBI का हेडक्वार्टर क्या वहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाख सृजन। शाख सृजन करना एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बाकी यहाँ पे शाख नियंत्रण करना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में और मौद्रिक नीति का निर्माण करना यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, लेकिन शाख सृजन करना, उसको कलेक्ट करना, यह नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा में जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है, राज्य की विधान परिषद, बताइए कितना अंश। बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुल संख्या का 1/6 भाग, राज्य विधान परिषद में जितने भी मेंबर हैं उसके 1/6 भाग जो है राज्यपाल साहित्य कला सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा में जुड़े व्यक्तियों के नाम को निर्दिष्ट करता है, क्लियर है, 1/6 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा यानी साउथ इंडियन की जो है गंगा कही जाती है, कौन सी नदी। आप सभी को पता है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे दिया हुआ हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर है 9748058148, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं, उस रेशियो को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए जो रोकड़ शेष है और कुल परिसंपत्तियां हैं उनके बीच जो रेशियो रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वो रेशियो हमेशा मेंटेन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं संविधान तरलता अनुपात, ठीक है, संविधान तरलता अनुपात, R4 रेशियो यहाँ पर डिनोट होता है, SLR, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसके लिए, अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है। दो ऑप्शन यहाँ पे रहे और दो ऑप्शन जो है आपके
यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 2019 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए कौन थे? शशि थरूर। शशि थरूर को इंग्लिश के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो ये सभी को पता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? किस गवर्नर जनरल ने, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है और ऐसा आपको डेली सेट मिलेगा, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 है और नेक्स्ट डे भी इसके लिए प्रैक्टिस सेट आएगा, रोज रात 10 बजे आएगा। ठीक है, और यूपीएसए वाला रोज दोपहर 12 बजे आ रहा है। तो इसका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड मिंटो एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था, उनका नाम है लॉर्ड मिंटो। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, पलायन वेग का जो इंग्लिश होता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो ये कितनी होती है, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो आपके चार ऑप्शन आपके ये सामने रहे, बताइए। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता दे रहा हूँ, पलायन वेग जो होता है वो ऐसी वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी से अगर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है और स्पेस में चला जाता है और वो कभी लौट के रिटर्न नहीं आ सकता, इसको हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से मूव करते हैं तो आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? आपको जो भी कमेंट करना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको आंसर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बख्त खान है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को आलम बहादुर का खिताब दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन से रेलवे स्टेशन पे? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासिक पे। यहाँ पे जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है, कौन से, नासिक में, बहुत इंपॉर्टेंट। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने है, खजुराहो का मंदिर कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो पाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो का मंदिर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बाबर फरगना का शासक कब बना था? बाबर जो है फरगना के शासक कब बने थे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए, हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बिहार के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी होगा, 1494 में बाबर जो है फरगना के शासक बने थे, 1494 में। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए, प्राइमरी कलर जिसे हम लोग बोलते हैं, बताइए प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल हरा नीला, रेड ग्रीन और ब्लू, आरजीबी, हमेशा याद रखेंगे आरजीबी क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आपके ऑप्शंस रहे ये बताइए, माल्टा के नए प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट अवेला, ये जो है माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है ये आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में स्थित कालीबंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। फिजिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए। दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सपोज करो आप सैलून में जाते हो जहाँ पे आप हेयर कट कराते हो, आप ऐसे बैठते हो तो आपके सामने एक मिरर होता है और ठीक इसके 90 डिग्री के एंगल पे पीछे भी एक मिरर होता है, तो जब आप इसमें सामने देखते हो तो आपको तीन इमेज दिखाई देते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के परस्पर 90 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बिहार एसआई में, कांस्टेबल में, पुलिस में, सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेपो रेट कहते हैं। ध्यान से देखना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग देख लो, ठीक है। देखोगे, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। अगर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक होता है हमारे देश का, आरबीआई किसी बैंक को, किसी अन्य बैंक को अगर जिस रेट पे कर्ज देगा, ठीक है, कर्ज देगा, लोन देगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, जैसा कि हम लोग देख लेंगे। और बैंक जो है अगर आरबीआई को किसी सुनिश्चित दर पर अगर लोन देता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। किस पे? रिवर्स, मतलब ये रिवर्स कर रहा है, क्लियर है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बीसवा एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नागोया में होगा। तो बीसवा जो एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां पे हो जाएगा, नागोया में होगा। नीचे कमेंट कर बताइए नागोया जो है कौन से देश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला प्रचालन विनिर्दिष्ट करता है। खुला प्रचालन जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स है, उसमें खुला प्रचालन का क्या मतलब होता है। तीन ऑप्शन ये रहे और चौथा आपका मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा, देखिए। तो खुला प्रचालन का ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग खुला प्रचालन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देखना है। वित्तीय निवेशकों के विशिष्ट व्यवहार मंदड़िया शब्द किसका द्योतक है। मंदड़िया जो है, जिसको इंग्लिश में बियर बोलते हैं, शब्द किसका द्योतक है बताएंगे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो यहाँ पे मंदड़िया का मतलब था, उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं मंदड़िया, ठीक है। जो बियरर होता है, जो सहता है, अगर वो सहता है, उसको पता चलता है कि यह प्रतिभूति होती है कि उसकी कीमत जो है गिरने वाली, उसको हम लोग बोलते हैं मंदड़िया, क्लियर है। चलिए, राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है। जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है स्टेट के, उनका जो वेतन होता है, सैलरी, कौन से कोष से दिया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की संचित निधि से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल कहाँ का होता है। राज्यपाल जो है, गवर्नर किसका होता है, स्टेट का होता है, ठीक है। तो उसको सैलरी कौन किसके कोष से आएगी, स्टेट के ही कोष से आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, कौन से राज्य का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर का अपना कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, बाकी आप सिक्किम, बिहार और हिमाचल प्रदेश का देखेंगे तो सबका अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है, बट मणिपुर का हाई कोर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कानून के मुख्य स्रोत कौन कौन से, ये आपको बताना है। भारत के कानून के मुख्य स्रोत कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 25, और ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पहले आप ये देख लें कानून के जो मुख्य स्रोत क्या क्या है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुट 1, 2, 3। चलिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, तीन चारों है, ठीक है। तो भारत के जो वो कानून के मुख्य स्रोत कौन से, संविधान से लिए गए हैं, संविधाएं से लिए गए, प्रथागत कानून और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए बताइए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव जो होता है सरफेस टेंशन के ऊपर जो है ये कार्य करता है, क्या करता है, बॉल पेन का सिद्धांत, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? आपका क्वेश्चन है नहीं है, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगुलहास की जो धाराएं हैं वो शीत महासागरीय जलधाराएं नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ज्योग्राफी से। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, उष्मा को हीट को कहां बदलना है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो क्या यूज करते हैं हम लोग, आपको ऑप्शन दिखा देता हूं मैं, हीट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्मोकपल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हीट से अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना है तो हम लोग थर्मोकपल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मंगल पांडे सिपाही था, बताइए कौन से इन्फेंट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये, मंगल पांडे सिपाही थे, कौन से इन्फेंट्री के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं, क्लियर। चलो, ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है, बताइए, ध्वनि जो साउंड है वो अपने मार्ग में कोई उसको बाधा आएगी तो वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौट जाती है, ध्यान देना। ठीक है, ध्वनि हमेशा आएगी और वापस लौट जाएगी अगर उसके मार्ग में कोई ऑब्स्टेकल पाया जाता है तो, क्लियर है। नेक्स्ट, किसी तत्व के एक ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत मात्रा को क्या कहते हैं, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, फिजिक्स का क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं, और ये रहा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जल्दी बताएंगे, बहुत बहुत बढ़िया, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की वह कौन है, तो आप सभी को पता चाहिए रेडियम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मैडम क्यूरी, किसने, मैडम क्यूरी ने की थी। हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट कौन से अंग में बनते हैं हमारे बॉडी के, लिम्फोसाइट बताएं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन्सिल में बनते हैं, कहां बनते हैं, ऑन्सिल में, हमारे शरीर के ऑन्सिल में लिम्फोसाइट बनते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पित्त कहां बनता है, पित्त कहां बनता है, हमारे शरीर में पित्त कहां बनता है, बायोलॉजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यकृत में, लीवर में, कहां बनता है, लीवर में पित्त बनता है, ये तो पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व बताइए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं, टोटल 50 MCQ है, हम लोग 50 MCQ देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और 50 में एटलीस्ट 32 सही करने का जरूर प्रयास करना, क्योंकि कट ऑफ इतना ही के आसपास जाएगा। ठीक है, 50 में 32 यानी 100 में आपका 64, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जैविक विविधता सर्वाधिक, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, आपको बार बार टाइमिंग याद दिला दूं, रोज रात 10 बजे आपके लिए बिहार पुलिस, बिहार SI और BPSC तथा बिहार ESI के लिए बहुत ही शानदार सेट ला रहा हूं मैं डेली, रोज रात 10 बजे, क्लियर। और UPSI के लिए, और UPSI लेखपाल UP कांस्टेबल के लिए रोज दोपहर 12 बजे ये दो सेट आते हैं, आप लोग जरूर देखना। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिया और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बहुत ही ज़्यादा जैविक विविधता पाई जाती है, विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, क्लियर। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाहिनी विहीन जिसकी नलियाँ नहीं होती हैं उनके ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं, चलिए बायोलॉजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन कहते हैं, ये हार्मोन जो है वो ऐसी ग्रंथियां जो कि वाहिनी विहीन होती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, कॉकरोच की उत्थिका में संसेचित अंडों की संख्या कितनी होती है, अच्छा क्वेश्चन बना है ये, बायोलॉजी का है, बताएं कॉकरोच की उत्थिका में संसेचित अंडों की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16, कितनी होती हैं, 16 अंडे होते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं,
ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से कॉमन आ सकते हैं और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हमारे सेट में कराया जाएगा आज से। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, इमैगो कहते हैं। क्या कहते हैं? इमैगो कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान होता है, मतलब क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कार्बन, सभी को पता होना चाहिए। जिनको भी पता है नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह। क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक ही बार फल देता है, पूरे अपने जीवन काल में एक बार फल देता है बस? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केला। ठीक है, केवल एक बार फल देता है उसको बोलते हैं केला। चलो आगे बढ़ेंगे, मच्छर भगाने वाली क्रीम में उसका उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है? मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग किया जाता है? मच्छर किससे भागते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, नीम की पत्तियों का यूज करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में युद्ध से, बताएं क्या होता है ये CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, याद रखना ये रेशियो भी एक मैंने अभी अनुपात वाला क्वेश्चन कराया है, ये इसका मतलब था कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। ठीक है, चलो, हाल ही में जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित एक परिसीमन बनाई गई है, आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई कौन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं, बताइए? संचार जो उपग्रह होते हैं जो ट्रैवल करते हैं वो किस मंडल में अवस्थित होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं संचार? 45 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या वही मंडल में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह कहां प्रस्तावित है, बताइए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह का। ठीक है, लेह में प्रस्तावित है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है, बताइए? 10 मीटर की दूरी से भी साफ नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा दोष हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे। ठीक है, निकट दृष्टि जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मायोपिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 का थीम क्या था? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। क्या था थीम? चलिए थीम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपके थीम बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी के लिए खुशी एक साथ। ठीक है, चलो, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति का संबंध, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय हरित क्रांति से। ठीक है, हरित क्रांति किससे है? वेजिटेबल से संबंधित है, आपको पता ही होना चाहिए, और श्वेत क्रांति दूध से। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है, कौन सा मिलन स्थल है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए। जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है, कहाँ पे मिलती है ये? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सभी राज्य एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो जितना हो सके लाइक जरूर करें अपने वीडियो को, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दिया हुआ हमारा व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप का नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और PDF जो है ले सकते हैं। ठीक है, और टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ, रोज रात 10 बजे ये अपलोड किया जाता है, और रोज दोपहर 12 बजे UPSI की क्लास चलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।